नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। ग्लोबल बाजारों से मिले कमजोर संकेतों से आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है। कारोबार की शुरुआत में आज सेंसेक्स 135.47 अंक यानी 0.40% गिरकर 33,709.39 पर और निफ्टी 43.10 अंक यानी 0.41% गिरकर 10,354.35 पर खुला। पीएनबी में बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा घोटाला सामने आने के बाद बैंकों ने आनन फानन में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर करने शुरू कर दिए हैं। अकेले पीएनबी ने 3 दिनों के भीतर अपने 18,000 से ज्यादा कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। मार्च से देश भर में चल रहे कई मोबाइल वॉलेट बंद हो सकते हैं। इस बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द फैसला लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मोबाइल वॉलेट कंपनियों ने रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए एक अहम आदेश को पूरा नहीं किया है। पीएनबी घोटाले के बाद बैंकों के निजीकरण की मांग उठने लगी है। इसी क्रम में गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज ने भी कहा है कि सरकार को बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करना चाहिए। नौकरी की तलाश कर रहे 12वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल एयर इंडिया ने कई पदों पर भर्तियां निकाली है। इसके लिए उसने उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।